हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। ओके, ये जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, क्योंकि जब भी आपके सामने आएगी ना, आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ठीक है, सभी जोडियक साइन के लिए है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सब जनरल रिलेशनशिप में सभी लोग देख सकते हैं। आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो ये रीडिंग सभी के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए। ओके, और ऊपर वाला करिए, जल्दी जल्दी आप सभी को अपना प्यार मिल जाए, अपना पार्टनर मिल जाए, और हमेशा के लिए आ जाए वो आपके पास, कभी छोड़कर नहीं जाए आपको। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग एकदम स्टार्ट करते हैं। और वाह, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है ये, बॉटम में था। ठीक है, मुझे लग रहा था ये कार्ड आना चाहिए। हाँ, ऊपर वाला करिए, जल्दी जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए। ओके, जो भी बीमार ऊपर वाला, हम सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। और ठीक है, और सभी की लाइफ में बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए हैं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, टू ऑफ वांड्स, एम्परर। भाई, जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हैं ना, बड़ा एरोगेंट टाइप है, ईगोस्टिक है। सारे डिसीजन वो पर्सन जल्दबाजी में लेता है। आपके साथ रिलेशनशिप में आने का डिसीजन भी उन्हीं का होगा, और डिसीज़न उनका होगा, जाने का भी डिसीज़न उनका था। अगर मान लीजिए आपने प्रपोज़ किया उन्हें, और आपने उनसे कहा होगा कि टाइम ले लो, या फिर उन्होंने, जैसे आपने प्रपोज़ किया उन्होंने हाँ कर दी, तो सारे डिसीज़न जल्दी में लेते हैं वो। ठीक है, इधर थर्ड पार्टी ने बोल दिया कि रिलेशनशिप में आना है, या उनका एक्स वापस आ गया, तो भी उन्होंने यही हरकत कर दी, बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लिया कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, मेरा कोई नया पर्सन आया है, मेरा एक्स वापस आया है, तो मुझे उधर चले जाना है। क्या है ऐसे इंसान ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो भी लोगों की एनर्जीज इस तरीके की होती हैं कि वो ज़्यादा दिन एक, मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके रिलेशनशिप बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, या फिर आपके ग्रह में कहीं दोष होता है, या आपका रिश्ता पर्टिकुलर टाइम पे अंडर वन ईयर और 8 or 9 months में टूट जाता है, या फिर रिलेशनशिप रहता ही नहीं है। आप कितने भी प्यार से उस रिश्ते को चलाने की कोशिश करें, बहुत जल्दी जल्दी रिश्ता टूट जाता है आपका। कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं रहता है, भले से आप कितना भी उस सामने वाले को प्यार करें, या फिर कुछ भी कितने प्यार से उस रिश्ते को निभाएं। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्रह दोष भी होता है और नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। ठीक है, अच्छा मैं बताई थी, ऐसे लोगों की एनर्जीज जो होती है ना, जो लोगों की, कि वो जल्दी जल्दी पार्टनर खुद चेंज करते हैं। ठीक है, उनका तो मैं क्या बताऊँ, जाने दो। ठीक है, कोई ना, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए गाइस, कुछ मैं दिखाती हूँ, एक मिनट आपको। हाँ, यहाँ पर एनर्जीज आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों एनर्जीज साथ में ही है। हम और कुछ कार्ड्स लेंगे, लेकिन फिलहाल बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि आपके पार्टनर से आप कुछ गुड न्यूज़ रिसीव करेंगे। ओके, ये वो एनर्जीज़ हैं कि जो आप चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ हाँ, अब आपको कार्ड्स दिखाई देंगे। ओके, मैंने कैमरा थोड़ा सा सेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की और करंट फीलिंग्स की बात करूँ, तो सबसे पहले है यहाँ पर फोर ऑफ वांड्स, जो हमें दिखाता है आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग्स है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर के साथ, आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं। ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सेम जेंडर रिलेशनशिप में, लेकिन हमेशा अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम सभी लोग रहना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये प्यार बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पार्टनर के जो नखरे थे ना, वो इसी को आप ही उठा सकते थे या उठा सकती थी। ठीक है, ये एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जीज ये हैं कि वो आपके साथ आना चाहते हैं एक मजबूत रिश्ते में, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी मुझे आपके पार्टनर से आपकी इंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ शादी के रिश्ते में हैं, तो आपकी जो मैरिज एनिवर्सरी आएगी
उसमें आप दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और गिल्ट में क्यों है, उन्होंने किसी भी थर्ड पर्सन की बात मान के आपके साथ इतने खूबसूरत रिश्ते को तोड़ लिया, ठीक है। तो उन्हें क्या महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलती की, क्योंकि वो जल्दी में डिसीज़न लेते हैं सारे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर में यही है, एक तो उनका ईगो ख़त्म नहीं होता, एरोगेंट बहुत ज़्यादा है, जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं। इसी जल्दबाजी के डिसीज़न में यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे सेपरेशन कर लिया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ही चीज़ों में उलझ चुके हैं कि डिसीज़न लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सब चीज़ों से निकल कर मुझे यहाँ पे फैमिली भी दिखाई दे रही है कि फैमिली भी इशू क्रिएट कर रही थी आपके पार्टनर आपके रिश्ते में, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, मान लीजिए वो मैरिड है और आप सिंगल हैं, या आप मैरिड हैं और वो सिंगल हैं, लेकिन वो जो वादे किए थे आपके साथ उन पर उन्हें खरा उतरना चाहिए था, या तो वादा करना ही नहीं चाहिए था। तो ये भी उन्होंने जल्दबाजी में किया कि उन्होंने बहुत जल्दी आपको एक कमिटमेंट दे दिया और आपके साथ रिलेशनशिप में इस तरीके से आ गए कि वो उन सभी चीज़ों को छोड़ के वापस चले गए। गिल्ट में है इस वक्त कि मैंने थर्ड पार्टी की बात मानकर, या फिर फैमिली पे यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, मैंने उस पर्सन से इतनी जल्दी रिश्ता क्यों ख़त्म कर लिया। और अगर आप उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से बात किया था, अब्यूज़ लैंग्वेज किया था, बहुत लाउड हो गए थे, रूड हो गए थे आपके साथ, तो उन सबका उन्हें गिल्ट है। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आपके पार्टनर आएंगे ना, तो वो आपसे सॉरी ज़रूर कहेंगे। इस रिश्ते में आपके पार्टनर जो हैं पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ जब भी आपके पार्टनर बढ़ेंगे ना, एक कमिटमेंट के साथ बढ़ेंगे, ओके। किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है जो ये दिखाता है आपके पार्टनर की फैमिली में आपको लेकर ज़रा प्रॉब्लम चल रही है। किंग ऑफ सोर्ट्स क्वीन ऑफ सोर्ट्स है। किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि भाई आपके पार्टनर भी बहुत एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है ये इस वक्त उनके फैमिली के भी हाथ में है, ठीक है। हो सकता है उनका हस्बैंड और वाइफ भी उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हो और वो भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसे ना उलझनें दिखाई दे रही हैं आपकी रिलेशनशिप में, ओके। तो यहाँ पे हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की अपने फादर और मदर से बिल्कुल भी नहीं बनती है, लेकिन उन्होंने आपसे ये बहाना किया कि भाई मेरी फैमिली नहीं मान रही, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए। तो जो भी उन्होंने ये कहानी बनाई थी, इसमें सबसे पहले मुझे वो खुद ही उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो दिखाती है, हो सकता है आपके पार्टनर से आपने ऑनलाइन डेट किया हो, या फिर आप किसी मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर मिले हो। मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर मैं आप लोगों का हमेशा मना करती हूँ भाई, हो सकता है किसी के साथ बहुत अच्छा हुआ हो, लेकिन मेरे पास जो भी केसेस आते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। मैं सभी को मना करती हूँ ऑनलाइन डेट करने से आप लोग बचें, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन किसी भी पर्सन के साथ डेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके उसके बारे में पूरी तरह से पता कर लें। आप उसकी सिटी में जाएँ, उसके आस पास में, उसके ऑफिस में, उसके बारे में पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो यही सारी चीज़ अभी आपके साथ हैं कि आपने ऑनलाइन डेट किया, वीडियो कॉल पर आपने बात किया, आमने सामने तो मिले ही नहीं, या फिर एक या दो बार मिले हैं, लेकिन वो उस पर्सन ने आपको ईगो दिखा के गुस्सा करके बिना किसी बात पे झगड़ा करके आपके साथ सेपरेशन कर लिया। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी जिसमें वो खुद बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। कोई तो कंट्रोलिंग एनर्जी भी है, कंट्रोलिंग एनर्जी में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में वो ट्रैप भी हो सकते हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की ये एनर्जीज है, लेकिन जो आपके लिए एनर्जीज निकल कर आई है वो सबसे खूबसूरत ये है उनकी फीलिंग कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं आपसे। बॉटम पे एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स, ओके। द टावर, भाई आप दोनों के बीच में जो बातचीत बने वो बातचीत ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। टावर मूवमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा आप दोनों के बीच में से, ठीक है। द लवर्स, वापस से ये रिश्ता शुरू होगा, प्यार करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप में से कोई भी मैनिफेस्ट कर रहा है नए से ये रिश्ता शुरू होगा आपके पार्टनर, देखिए मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है जिसके लिए मैं आपको जब भी मुझे एनर्जी फील होती मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। आप लोग मैरिड हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग सिंगल हैं आपका पार्टनर आपके पास आता है, तो मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगर आप सिंगल हैं, आपका पार्टनर टावर मूवमेंट ख़त्म करता है और आपसे मिलने के लिए आता है, तो जब भी आप डेट पर जाएंगे वो डेट पर आपको सिर्फ एक कैफ़े तक ही जाना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है।
फिर क्या होगा, आप दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, उस पर्सन पे आपको भी ट्रस्ट नहीं करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप डेट पर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब टावर मोमेंट ख़त्म हो, अगर आपके पार्टनर आपको डेट पे लेके जाते हैं, तो वो डेट आप एक कैफ़े तक ही सीमित रखें, किसी लंच कर लें, डिनर कर लें बाहर जाके, लेकिन सिर्फ रेस्टोरेंट और कैफ़े तक ही रहें। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो आपको ठीक लगे तो इस गाइडेंस को आप ज़रूर मानिएगा, क्योंकि वो इन आउट सिचुएशन रहती है, वो आएंगे आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर आपके एनर्जीज इस तरीके के होंगे, क्योंकि जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं ना, ये अभी कंट्रोलिंग एनर्जी के हाथ में है। आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो शादी करना चाहते हैं, टावर मोमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं आपसे, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि मुझे इस वक्त कोई नहीं समझ रहा। लेकिन फिर भी मैंने गाइडेंस के लिए आपको बता दिया है कि भाई अपने आप की अपनी फीलिंग्स का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दूसरे से उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपको रुलाएगा या हंसाएगा, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, ओके, और खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ती रहिए। ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, मदर यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलते रहिए, गॉड को हमेशा थैंक्स बोलते रहिए, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।